किसान भाइयों, हमारी मिट्टी बहुत तेजी से बंजर होने की तरफ बढ़ती जा रही है। बहुत अच्छे अच्छे बीज लगाने के बावजूद भी किसानों को उतना उत्पादन नहीं मिल पा रहा, और कई किसान तो ये कहते हैं कि हमारे 5 बीघे खेत में आधे खेत में जर्मिनेशन आता है, एक हिस्सा ऐसा रह जाता है जहाँ पे बिल्कुल भी फसल अच्छी नहीं होती, और उसी 5 बीघे खेत में एक हिस्सा ऐसा है जहाँ पे थोड़ी सी ठीक भी हो रही है। तो किसान भाइयों, ये क्लियर संकेत है जमीन की तरफ से कि उसकी हालत बहुत ख़राब है। उसके लिए आपको स्पेशल ट्रीटमेंट करने शुरू कर देने चाहिए, वरना धीरे धीरे आपकी मिट्टी बिल्कुल बेकार हो जाएगी। और किसान यहाँ पे गलती एक और करते हैं कि अगर इस प्रकार की समस्या किसान के सामने आ रही कि भाई मैं तो कुछ भी डाल रहा हूँ और जब भी मेरी जो उत्पादन है, जो मेरी फसल है, वो सही से नहीं हो पा रही, तो किसान उसमें और ज़्यादा रासायनिक खाद डालता है। मान लीजिए 2 बैग DAP के डाल रहे थे, तो इस साल 3 डाल लूँगा या 4 डाल लूँगा, भाई 3-4 साल से मुझे तो फसल अच्छी नहीं मिल रही। और यहीं पे किसान भाइयों, बहुत तेज़ी से हमारी मिट्टी ख़राब होना शुरू हो जाती है। इस सच्चाई से कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि अगर मिट्टी अच्छी होगी तो उसमें आप बहुत कम खाद में, बहुत कम देखरेख में अच्छी फसल पैदा कर पाएंगे, उसमें रोग भी कम लगेंगे। और अगर आपको हमेशा खेती करनी है, अगर आप खेती से प्यार करते हैं, तो थोड़े से काम आपको अपनाने ही पड़ेंगे। अब समय आ चुका है किसान भाइयों, और अगर आप अपना लेते हैं, आपकी मिट्टी तो हमेशा ठीक रहेगी ही रहेगी किसान साथियों, आप कम खाद में अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। किसान भाइयों, वेस्ट डिकम्पोजर का इस्तेमाल अगर आप अपनी मिट्टी में रेगुलर करना शुरू कर दें, तो जितना भी खाद हम अपनी मिट्टी में डाल रहे हैं वो सही से डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि समस्या यहाँ से ही शुरू होती है, जितना फास्फोरस हम अपनी ज़मीन को देते हैं वो सारा फसल अवशोषित नहीं कर सकती, और वो मिट्टी में पड़ा रहता है, घुलता नहीं है, टूटता नहीं है सही से, और हमारी मिट्टी को सख्त करने का वो काम करता है, हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य खराब कर दे। जो भी वेस्ट हमारी मिट्टी में पड़े रहते हैं, फसल अवशेष, अगर वो सही से सड़ना शुरू कर दें, टाइम पे सड़ना शुरू कर दें, जो भी खाद हम डाल रहे हैं वो सही से डिकम्पोज होना शुरू हो जाए, तो मिट्टी का जो पाचन है वो धीरे धीरे सुधरना शुरू हो जाएगा, और हमारी मिट्टी कम खाद में ही हमें अच्छा रिजल्ट देगी। किसान भाइयों, अगर हमें 1 बैग DAP से अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाए, अगर 1 बैग DAP डालने से या 2 बार यूरिया डालने से हमें अच्छा उत्पादन मिलना शुरू हो जाए, तो हम ज़्यादा खाद क्यों डाल लेंगे? बिल्कुल डालने की आवश्यकता नहीं है। अब हम ज़्यादा खाद इसीलिए डाल रहे हैं क्योंकि हमें उत्पादन चाहिए, उत्पादन कम आएगा तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और ये सारी समस्या इसीलिए आ रही है किसान भाइयों, क्योंकि हमारी मिट्टी की जो जान है, जो ताकत है, वो धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है, कमज़ोर हो रही है मिट्टी। किसान भाइयों, वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, किसी ना किसी एक तरीके को आपको अपनाना होगा, एक प्रैक्टिस को लगातार करना होगा, जिससे आपकी मिट्टी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी और वो अपने पहले स्वरूप में ही लौट आएगी। किसान साथियों, मैं ये नहीं कह रहा कि आप जैविक खेती पे आ जाओ, मैं ये नहीं कह रहा कि आप रासायनिक खाद का इस्तेमाल बंद कर दो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप दवाओं का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दो, लेकिन तरीके से अगर हम सारी चीज़ें करें तो समन्वय बना रहेगा, बीमारियाँ भी नहीं फैलेंगी, और कम रसायन में, कम दवाओं में ही हम अच्छा रिजल्ट ले पाएंगे। किसान भाइयों, आपके पास अपनी ट्यूबवेल जरूर होगी, आप जिससे खेती करते हैं, जिससे अपने खेतों में पानी देते हैं, आप अपनी ट्यूबवेल पे ही 200 लीटर का एक ड्राम रख लो, उसके अंदर नया तरल वेस्ट डिकम्पोजर का घोल तैयार करो। कोई भी किसान आपके आसपास इसका इस्तेमाल करता हो, उससे थोड़ा सा कल्चर ले लो, वो कल्चर 200 लीटर के ड्राम में पानी भर के डाल दो और 2 किलो गुड़ डाल दो। 6 से 7 दिन में ये पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा, खट्टी स्मेल इसमें आनी शुरू हो जाएगी, और किसान भाइयों, इसको आपको 5 बीघे खेत में धीरे धीरे पानी के साथ चलाना है। जब आप पानी दें, साल भर में आप 3-4 बार एक खेत में इसको चला दो, किसान साथियों, आपकी मिट्टी बदलना शुरू हो जाएगी और आप थोड़े खादों में, थोड़ी दवाई में ही बहुत अच्छा रिजल्ट पाने लगेंगे। किसान साथियों, आपने जीवामृत का नाम भी ज़रूर सुना होगा, उसमें हम गोबर, गौमूत्र, बेसन और थोड़ी सी मिट्टी, ये सारी चीज़ें डाल के उसको 8-10 दिन में तैयार करते हैं। जितने बैक्टीरिया हम उसमें पनपाते हैं वो सारे के सारे इस वेस्ट डिकम्पोजर में पहले से ही है। इसको बनाना आसान है, इसका इस्तेमाल आसान है। अगर आप 200 लीटर भी 5 बीघे खेत में चलाओगे तो धीरे धीरे आपके जो रिजल्ट हैं वो बहुत अच्छे आने शुरू हो जाएंगे। अब एक काम आप और कर सकते हैं किसान साथियों,
हमारे पास सारे बैक्टीरिया हैं वेस्ट डिकम्पोजर के अंदर, लेकिन अगर आप चाहे तो इस 200 लीटर में जब आप बना रहे हो, तैयार कर रहे हो, इसमें थोड़ा सा 10 लीटर 5 लीटर गौमूत्र डाल दो, थोड़ा सा 1-2 किलो 4 किलो जितना आप ताज़ा गोबर गाय का डाल सकते हैं वो भी डाल दो, और किसान भाइयों थोड़ी सी जंगल की मिट्टी जहाँ पे कभी भी खाद ना डाला हो, जहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे उगते हों, छाया रहती हो, वहाँ से आप थोड़ी सी 1-2 किलो मिट्टी ले आओ और वो भी इसमें डाल दो। ये प्रैक्टिस आपको सिर्फ एक ही बार करनी है शुरू में। और किसान भाइयों जब आप इस घोल को तैयार करें शुरू में, वेस्ट डिकम्पोजर प्लस जीवामृत ये दोनों चीज़ हो जाएंगी शुरू में, इसको 10 दिन तक अच्छे से तैयार करें तो मिट्टी के भी जो माइक्रोब्स हैं वो इसमें आ जाएंगे, गोबर से भी बहुत सारे बैक्टीरिया इसके अंदर आ जाएंगे और गौमूत्र से भी। और जब हम इसको अपने खेत में चला लेंगे किसान भाइयों, थोड़ा सा एक बाल्टी कल्चर नीचे बच जाएगा, उस एक बाल्टी कल्चर में फिर से केवल आपको गुड़ ही डालना है, ये मिट्टी गोबर और गौमूत्र डालने की आवश्यकता नहीं है। अगर डालना चाहो तो डाल भी सकते हैं, लेकिन उससे पहले ही बैक्टीरिया हम ले लेंगे और उनको मल्टीप्लाई हमेशा करते रहेंगे। तो 10-12 दिन शुरू में अच्छे से इसको बनाओ किसान भाइयों, 15 दिन भी बना सकते हैं, 20 दिन तक भी बना सकते हैं, इसको अच्छे से बना के एक बार सारे के सारे बैक्टीरिया डेवलप कर लो और किसान भाइयों पूरा जीवन इसको ऐसे ही मल्टीप्लाई करते रहो, कोई दिक्कत नहीं आएगी और आपके खेत बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आपको देना शुरू कर देंगे। किसान साथियों वैसे तो और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ये सबसे आसान सबसे अच्छा तरीका है अपनी मिट्टी सुधारने का। अगर आप चाहें तो वर्मी कंपोस्ट खाद अपने घर पर तैयार कर सकते हैं, उसको घेरना शुरू करो। अगर आप चाहें तो कूड़ी का खाद जो होता है अच्छे से बना हुआ, उसको अगर आप भरपूर मात्रा में डाल सकते हैं, उसका भी इस्तेमाल अपनी मिट्टी में शुरू करो किसान साथियों। लेकिन उनमें मेहनत ज्यादा लगती है, समय भी लगता है। ये तरीका ऐसा है कि हमें कुछ भी एफर्ट अलग से लगाने की जरूरत नहीं है, परिणाम आपको बहुत अच्छे मिलेंगे, बहुत तेजी से आपकी मिट्टी सुधरेगी। केवल 200 लीटर का एक ड्राम ही अपने खेत में रखना है, जब भी आप अपने खेतों को पानी दें इस कल्चर को बना के चलाते रहें। और किसान भाइयों अगर किसी के पास कल्चर उपलब्ध ना हो, वो मेरे गाँव में आके बिल्कुल फ्री में ले जा सकता है बड़ौदा में, और किसी को अगर पोस्ट से मंगाना तो नंबर ऊपर है, केवल व्हाट्सएप मैसेज करना है किसान भाइयों, नंबर नहीं लगेगा, व्हाट्सएप मैसेज करके अपना एड्रेस दो मैं भिजवा दूंगा। किसान भाइयों हो सकता है आपने कई चैनल्स पे ये देखा हो कि भाई 5 बीघे खेत में 2000 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर चलाओ, 5000 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर चलाओ, आप केवल वेस्ट डिकम्पोजर के सहारे ही खेती कर पाएंगे, आपको कोई भी DAP यूरिया या कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। इन झांसों में इस भ्रम में आने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ये प्रैक्टिकल मैंने करके देख लिया है और बहुत सारे किसानों से भी मैं मिला हूँ। हाँ, दोनों चीज़ों का समन्वय बनाने की जरूरत है। हमें थोड़े खादों में अगर अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाए, हमारी मिट्टी ठीक रहे, तो उससे अच्छा और कुछ भी नहीं हो सकता। किसान साथियों 5000 लीटर अगर वेस्ट डिकम्पोजर हम 5 बीघे खेत में चलाएंगे तो उसमें गुड़ की ही क्वांटिटी इतनी लगेगी कि जितना हम रासायनिक खाद में भी खर्च नहीं करते, किसान बर्बाद हो जाएगा। किसान साथियों सही यही है कि आप 200 लीटर 300 लीटर से ही शुरुआत करें, इतना लगातार आप चलाते रहें, धीरे धीरे उससे ही बहुत जबरदस्त रिजल्ट आपको मिलेंगे। किसान साथियों एक चीज और मैं बताना चाहता हूं कि दवा का इस्तेमाल भी हमें सोच समझ और समय पे करना चाहिए। जैसे जब हम फसल की बुआई करें एक बार मिट्टी में दवा का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए, जिससे हमारी फसलों की जड़ों में कोई भी रोग ना लगे, उसके बाद आप स्प्रे के माध्यम से ही दवा का छिड़काव करें। किसान भाइयों उसमें हमारा पैसा भी बचता है और छिड़काव में दवा कम लगती है, रिजल्ट तुरंत मिलते हैं, लंबे मिलते हैं। मिट्टी में ज्यादा दवा का इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए, बुआई में बिल्कुल दवा डालो मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन उसके बाद आप स्प्रे के माध्यम से ही दवाओं का इस्तेमाल करें। धन्यवाद।